गाजा में इसराइल का कहर जमकर बरस रहा है। गाजा वासियों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालात यह है कि एक साल से युद्ध का दंश झेल रहे गाजा को मानवीय सहायता तक नहीं मिल पा रही है और इसके पीछे इसराइल ही है। इसराइल पर गाजा में मानवीय सहायता न पहुंचने देने का गंभीर आरोप लगा है। इसराइल युद्ध प्रभावित गाजा पट्टी में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की अमेरिका की मांग को पूरा करने में विफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पिछले महीने इसराइल से गाजा में अधिक खाद्य पदार्थ भेजने और अन्य आपातकालीन सहायता बढ़ाने का आह्वान किया था और इसके लिए 30 दिन की समय सीमा दी थी, जो मंगलवार को समाप्त हो रही है। प्रशासन ने इन मांगों को पूरा न कर पाने पर इसराइल को परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। अमेरिका ने इसराइल को आगाह किया था कि उसे अगले 30 दिन के भीतर गाजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ानी होगी, अन्यथा उसके लिए अमेरिकी हथियार तक पहुँच खत्म होने का जोखिम पैदा हो सकता है। इसराइल ने गाजा में स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में ये संकेत दिया था कि इसराइल अभी भी पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। इसराइल के नए विदेश मंत्री गिदोन सार ने समय सीमा को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा। 8 अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट में अमेरिकी मांगों के अनुपालन के लिए 19 उपाय सूचीबद्ध किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइल 15 उपायों का पालन करने में विफल रहा है और उसने केवल 4 का आंशिक रूप से ही अनुपालन किया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा हस्ताक्षरित 13 अक्टूबर के पत्र में इसराइल से कहा गया था कि वह प्रतिदिन कम से कम 350 ट्रक माल को गाजा में प्रवेश करने की अनुमति दे, घेराबंदी वाले क्षेत्र में 5वां प्रवेश मार्ग खोले, तटीय तंबू शिविरों में रहने वाले लोगों को सर्दियों से पहले अंदरूनी क्षेत्रों में जाने की अनुमति दे और बुरी तरह प्रभावित उत्तरी गाजा में सहायता समूहों की पहुंच सुनिश्चित करे। एक बार फिर आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पिछले महीने ही इसराइल से गाजा में अधिक खाद्य पदार्थ भेजने और इसके लिए 30 दिन की समय सीमा दी थी। अमेरिका ने इसराइल को आगाह किया था कि उसे अगले 30 दिन के भीतर गाजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ानी होगी, अन्यथा उसके लिए अमेरिकी हथियार तक पहुंच खत्म होने का जोखिम पैदा हो सकता है।